गाइस आपको मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी कार्स दिखा रखी हैं, मतलब बॉक्सटर भी दिखा दी, रेंज रोवर भी दिखा दी, मतलब ऑलमोस्ट हर सेगमेंट की कार मैं दिखा चुका हूँ। अब बारी है रोल्स रॉयस की, तो वो ये देखो। तो भाई इस वक्त अभी मैं बैठा हूँ रोल्स रॉयस घोस्ट में, और बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि यहाँ पर इसकी वीडियो बना सकूँ रोल्स रॉयस की, और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। यार ये सपना है कि इसमें बैठना ही एक अलग फील है रोल्स रॉयस में। ये चल चुकी है 38,000 किलोमीटर, 38,400, और बाकी इसका प्राइस वगैरह क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में, उससे पहले वीडियो पूरी देखो आप। अब एक बार इसके रियर में बैठते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है। भाई इतनी कंफर्टेबल सीट्स ना मैंने देखी नहीं किसी, मतलब पीछे भी इतना कंफर्टेबल और बढ़िया लेग रूम के साथ आपको मिल रहा है। क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है, मज़ा आ गया भाई। तो ये 2012 का मॉडल और कन्वर्टेड इनटू सीरीज 2 घोस्ट, और यहाँ पर इसका प्राइस कार स्ट्रीट में इसका प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़। हालांकि ये वैसे बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर आपको ये 2 करोड़ मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्राइस है वो नेगोशिएबल होगा, एक बार आप यहाँ पर आएँ बात करें तो नेगोशिएट हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करें, क्योंकि 35,000 किलोमीटर सिर्फ चली है, इससे ज़्यादा चली। और स्पेशियस कार है काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रीमियम कार होती है जो उसमें से आती है, लैम्बोर्गिनी वगैरह सब अपनी साइड है, बट रोल्स रॉयस आपको भी पता है बिल्कुल एक अलग चीज़ है और एक प्रीमियम फील आपको देती है गाड़ी। यहाँ पर भी आपको अगर आप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस मिलता है। इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, आधे से ज़्यादा सीरियसली मैं आपको बताऊँ मेरे को पता ही नहीं है। यहाँ पर भी सेम आपको ऐसे मिलता है, अंदर काफ़ी स्पेस है यहाँ पर भी। पीछे आप जब बैठोगे रियर में भी, तो पीछे तो यहाँ पर भी आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल इस पर माइंडफुल मेडिटेशन का कोई चल रहा है। तो जो छतरी थी रोल्स रॉयस की वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी, दोनों साइड पर होती है। मज़ेदार चीज़ है भाई, ये तो एक नंबर चीज़ है, एक नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया 2012 का मॉडल है, 35,000 और सेकंड ओनर कार ही आपको देखने को मिलती है। हालांकि सर बैठ के वैसे ना बहुत सारा मज़ा आ रहा है रोल्स रॉयस में, पीछे बैठा हूँ मैं। तो यार यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा ये नहीं बताऊँगा कि इसके फीचर्स क्या हैं और इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि रोल्स रॉयस का जो बंदा खरीदने वाला होगा वो मेरे को लगता है ऐसे स्पेशली फीचर्स वगैरह इसके चेक करता फिरेगा। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सबको पता है रॉयल कार है, तो यहाँ पर अगर आपको खरीदनी है कार स्ट्रीट में तो इसका प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़, और ये नेगोशिएट हो जाएगा। जैसे मैंने इनके मैनेजर से बात करी तो वो कह रहे थे नेगोशिएबल होगा, आपको यहाँ पर आके बात करनी पड़ेगी एक बार। और बाकी इसका जो इंजन है, मतलब कि ये आप स्टार्ट करते हैं तो एक वीडियो में मैंने देखी थी कि कॉइन रखता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता स्टार्ट हो रखी है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया, ऑब्वियसली आप सबको पता है, बट जब आप इसमें बैठोगे तो आपको मेन बता लेगा इसकी फील रोल्स रॉयस की। तो ये थी भाई रोल्स रॉयस घोस्ट कन्वर्टेड टू सीरीज 2। लैम्बोर्गिनी अपनी जगह है, रोल्स रॉयस अपनी जगह है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स कार है और ये रॉयल कार है बेसिकली। इसमें आपको रियर में एक यहाँ पर छोटा सा बटन आपको देखने को मिलता है, जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो गेट्स अपने आप बंद हो जाएंगे। और इसका जो लेग रूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये है रोल्स रॉयस घोस्ट कन्वर्टेड टू सीरीज 2, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।